नमस्कार बच्चों, ये हमारे इंग्लिश फर्स्ट हनी सकल का सेकंड चैप्टर इस वीडियो में स्टार्ट होगा आज से। तो सेकंड चैप्टर का नेम है हमारा, सेकंड लेसन का, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए मास्टर, कैसे कुत्ते ने अपना जो है अपने स्वामी को खोजा। ठीक है, तो ये चैप्टर का नेम है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लाइव द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम। जो कुत्ते थे वह कभी अपने खुद के स्वामी हुआ करते थे, और जो अपना जीवन था वे जो भेड़िया होते हैं उनकी तरह व्यतीत करते थे स्वतंत्रता पूर्वक। ठीक है, अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न Who has ill pleased with this way of life? तो जो कुत्ता था अपने इस प्रकार के जीवन से जो है वह बहुत नाखुश हो गया था। He was sick and tired of wandering about by himself. तो वह जो है बहुत बीमार और थका हुआ रहने लगा, और अपने स्वामी की खोज में इधर उधर भटकने लगा, और इसके साथ साथ वह जो है अपने भोजन के लिए एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु आर स्ट्रॉन्गर देन ही, और उसके साथ साथ जो है अपने भोजन की तलाश में और जो जानवर उससे अधिक मजबूत थे उनसे वह काफ़ी भयभीत हुआ करता था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. तो एक दिन उसने विचार किया और निर्णय लिया कि वह जो है किसी का जो है दास बनना स्वीकार करेगा जो इस धरती पर सबसे अधिक ताकतवर होगा। And he set out to find such a master. और उसके बाद उसने अपने स्वामी की तलाश करना शुरू कर दिया। ही मेट ए किन्समैन ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ हु वॉज ए स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फायर्स। तो वह लगातार अपने स्वामी की खोज में चलता रहा और अपने एक संबंधी भेड़िए से वह मिला जो उससे काफ़ी मजबूत था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, तो जब वह भेड़िए से मिला तो भेड़िए ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, तो कुत्ता कहता है कि मैं जो है किसी को अपना स्वामी बनाने जा रहा हूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, तो वो भेड़िए से कहता है क्या तुम मेरा स्वामी बनना स्वीकार करोगे। आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड, तो वह भेड़िया कहता है क्यों नहीं, मैं ज़रूर तुम्हारा स्वामी बनूँगा। एंड दिस एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और इस प्रकार दोनों आपस में सहमति बनाकर दोनों जो है साथ में चलने लगते हैं। दे वॉक्ड, दोनों जो हैं साथ में चलते रहते हैं। एंड ऑल ऑफ सडन, और अचानक से द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, भेड़िया अपनी नाक को उठाता है, स्निफ्ड, डार्टेड क्विकली ऑफ द पैथ एंड इनटू द बुशेस, और अपनी नाक को उठाकर सूंघने लगता है और चौंक करके अपना रास्ता छोड़ करके झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। एंड क्रैप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और जो वह जंगल होता है उसमें जाके कहीं खो जाता है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, तो कुत्ते को बहुत आश्चर्य होता है। व्हाट कम ओवर यू मास्टर, तो वह जाकर के भेड़िए से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ स्वामी। He asked
वट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, कि तुम जो है इतने भयभीत क्यों हो गए। कैन नॉट यू सी देयर्स ए बियर आउट देयर, क्या तुम नहीं देख रहे हो वहाँ पर एक भालू आया हुआ है। एंड ही माइट ईट अ बोथ ऑफ अस यू एंड मी, वह शायद हम दोनों को ही खा जाएगा। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, जब कुत्ते ने ये देखा कि भालू उस भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर है, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम, तो कुत्ते ने यह निश्चय किया कि वह जो है भालू को अपना स्वामी बनाएगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने भेड़िए का साथ छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और भालू से पूछा कि क्या आप मेरे स्वामी बनोगे। द बियर एग्रीड टू दिस रीडली एंड सेड, कि भालू ने जो है यह तुरंत से स्वीकार किया और कहा, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, कि चलो हम यहाँ से चलते हैं और एक गायों का झुंड ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट और अवर फिल, तो भालू कहता है कि चलो हम जो है एक गायों के झुंड की खोज करते हैं और एक गाय को मार करके दोनों ही जो है अपनी खाने की पूर्ति करते हैं। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ ए हर्ड ऑफ काउज, वो दोनों चलते रहे और जल्दी ही उन्हें एक गाय का झुंड मिला। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम टू इट, लेकिन जैसे ही वे दोनों उस गाय के झुंड के पास पहुँचे, इट दे वर स्टॉप्ड बाई ए टेरिबल नॉइज, वो दोनों ही वहाँ पर जो है एक भयानक सी आवाज़ सुनकर रुक गए। द काउज वर मोइंग लाउडली, और जो गायें थी वो जोर से रंभाने लगी। एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और इस दशा में जो गायें थी वह सभी दिशाओं में इधर उधर भागने लगी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, भालू चुपचाप एक पेड़ के पीछे से यह सब देख रहा था। एंड देन ही टू रन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और उसके बाद वह वहाँ से तुरंत जो है उस घने जंगल में जाकर भागकर छुप गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, सेड ही टू द डॉग, वह कुत्ते से कहता है कि तुम वहाँ पर क्यों रुके हुए हो। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, कि वहाँ पर एक शेर है जो इस जंगल में राज करता है। द लायन हु इज ही, तो वह पूछता है कुत्ता, शेर कौन है यह। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, कि वह जो है इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, उसके बाद कुत्ता कहता है अच्छा तो मैं तुम्हें अब छोड़ता हूँ। बियर भालू, आई वांट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ, मुझे एक ऐसे स्वामी की तलाश है, या मैं ऐसा जो है स्वामी चाहता हूँ जो इस धरती पर सबसे अधिक ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और उसके बाद वह कुत्ता जाकर शेर के पास बोलता है कि क्या आप मेरे स्वामी बनोगे। द लायन एग्री टू इट, और शेर यह स्वीकार करता है। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और कुत्ता जो है उसके साथ रहने लगता है और उसकी सेवा बहुत लंबे समय तक करता है। इट वॉज़ ए गुड लाइफ, वह बहुत अच्छा जीवन बिता रहा था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसको उस शेर से कोई शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, और उस शेर के अलावा उस जंगल में कोई भी ताकतवर जानवर नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी की भी यह हिम्मत नहीं थी कि उस कुत्ते को कोई जो है टच भी करे या छुए भी। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पैथ दैट रेन अमिड बेयर क्लिफ्स, वेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप्ड, तो एक दिन की बात है, दोनों जो है एक रास्ते के किनारे किनारे चल रहे थे और
अचानक से जो है एक नंगी चट्टान की तरफ से कुछ आवाज़ें आई। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पॉ विथ सच फोर्स दैट ए होल फॉर्म्ड देयर। तो यह देखकर जो शेर होता है वो बहुत ज़ोर से गुर्राने लगता है और गुस्से में ज़मीन को जो है अपने पंजे से खोदने लगता है। देन ही बिगन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर उसके बाद चुपचाप से उस जगह से पीछे हट जाता है। वट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आस्क द डॉग सरप्राइज। तो कुत्ता बड़े आश्चर्य से पूछता है कि क्या हुआ स्वामी, कुछ गलत हुआ है क्या? आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड। तो शेर बोलता है कि मैंने इस रास्ते में एक आदमी की जो है बदबू या कह सकते हैं स्मेल मुझे आई है। वी डिड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। यह अच्छा होगा कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम जो है परेशानी में पड़ सकते हैं। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। तो उसके बाद कुत्ता कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें जो है गुड बाय करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ। मुझे एक ऐसा स्वामी चाहिए जो इस संसार में इस पृथ्वी पर सबसे अधिक ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम। और उसके बाद कुत्ता जो है मनुष्य के पास रहने लगता है। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और ईमानदारी से जो है उसकी सेवा करने लगता है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, और यह जो है बहुत समय से अब ऐसा ही चले आ रहा है। बट टू दिस डे द डॉग इज मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट। और इस समय पे वर्तमान समय में जो कुत्ता है वह मनुष्य का वफादार नौकर है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और वह जानता है कि उसे अब कोई स्वामी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चैप्टर पूरा रीड कर लिया है। हम अगली वीडियो में इसके जो वर्किंग विद द टेक्स्ट हैं उनको करेंगे।